गाइज, दिस इज़ गौरव। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माई चैनल। सो आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि बाइक में स्पार्क प्लग कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं मेरी होंडा हॉर्नेट में स्पार्क प्लग इंस्टॉल करने वाला हूँ। सेम प्रोसेस अब आप आपकी बाइक में भी स्पार्क प्लग इंस्टॉल करने के लिए कर सकते हैं। तो मैंने एक स्पार्क प्लग परचेस कर लिया होंडा के जेन्युइन पार्ट का, जो नियर बाय सर्विस सेंटर रहता है वहाँ से मैंने स्पार्क प्लग खरीद लिया। दिखा रहे आपको कि मुझे कुछ 123 रुपीज़ में मिल गया। तो आप भी आपके नियरेस्ट सर्विस सेंटर से स्पार्क प्लग खरीद सकते हैं जो आपके बाइक के लिए सूटेबल है। तो मैं स्पार्क प्लग दिखा देता हूँ। ये स्पार्क प्लग है जो मैंने खरीद लिया होंडा के सर्विस सेंटर से। तो ये स्पार्क प्लग मैं अपने बाइक में इंस्टॉल करके बता देता हूँ। सेम प्रोसेस आप भी अपने बाइक के लिए कर सकते हैं। तो गाइस, प्रोसेस क्या है कैसे मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो गाड़ी के आपका टूल किट के साथ ये स्पैनर आता है, ये टूल है स्पार्क प्लग चेंज करने के लिए। हर बाइक के साथ आपको ये मिल जाएगा, बाइक का जो टूल किट है उसमें रहता है। और ये 14 और 17 नंबर का स्पैनर चाहिए आपको, फिक्स स्पैनर चाहिए। उसके मदद से आप स्पार्क प्लग खोल सकते हैं। तो कैसा प्रोसेस है मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोसेस। तो गाइस, स्पार्क प्लग कैसे इंस्टॉल करना है वो प्रोसेस मैं बता देता हूँ। पहले जो स्पार्क प्लग के ऊपर का जो वायर है निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो अपने बाइक टूल किट में ये टूल आता है, स्पार्क प्लग खोलने का टूल रहता है, और उसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा। और 17 नंबर का फिक्स स्पैनर लेना पड़ेगा। उससे आपको ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमते तो ये लूज़ हो जाएगा। लूज़ हो गया आपको इसको एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा के इसको निकाल सकते हैं। एक बार स्पार्क प्लग निकालने के बाद इसको जगह पे नया स्पार्क प्लग लगा देना है। ये देखो, ये पुराना वाला स्पार्क प्लग है। 2 साल बाद मैं स्पार्क प्लग चेंज कर रहा हूँ। वैसे इसकी हालत अभी भी ठीक है, बट एक बार कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ये पुराने वाला है और ये नया वाला स्पार्क प्लग। पुराने वाले पूरा कार्बन जमा हो चुका है, देख सकते हैं। पूरा कार्बन जमा हो चुका है और ये नया वाला। आप खुद ही कंपेयर कर लो, दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं आप। इसमें पूरा कार्बन जमा हो गया है, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। ये नया वाला पूरा क्लीन है। सो जैसे ही निकाला वैसे ही लगाने का प्रोसेस भी है। नए वाले को ऐसा टाइट कर देना है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा के इसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद इसको जो टूल है वो फिर से लगाना है आपको, और एक बार पूरा टाइट कर देना है ताकि वो आसानी से ना निकले। स्पार्क प्लग दोस्तों मैंने टाइट कर लिया, आप देख सकते हैं। नया वाला स्पार्क प्लग है मैंने लगा दिया यहाँ पे। ये वायर इसका फिर से इंस्टॉल कर देता हूँ। तो गाइस, स्पार्क प्लग इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो हो गया है। सेम आप आपके बाइक में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर करना। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, बाइक मॉडिफिकेशन के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।